नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आज के पंचांग की, हर राशि के राशिफल की, और अगर आज का कोई त्यौहार है तो वो त्यौहार के बारे में बात करेंगे। और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिन लोगों का आज का जन्मदिन है, उनका साल कैसा जाने वाला है और उनके उपाय क्या रहने वाले हैं साल भर के लिए, ये जानने के लिए बात करते हैं आज के पंचांग की। आज शनिवार 24 फरवरी 2024 है, माघ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी शाम 6 बजे तक, उसके बाद प्रतिपदा। मघा नक्षत्र रहेगा रात्रि 10:20 तक और उसके बाद पूर्व फागुनी। अतिगंड योग रहेगा दोपहर 1:35 तक और उसके बाद सुकर्मा। अतिकर्ण योग के बारे में कहा जाता है कि यह योग बड़ा दुखद योग होता है। इसमें किए गए शुभ एवं मंगलमय कार्य भी बड़े दुखदायक तथा पाप की गठड़ी सिर पर डाल देने जैसे होते हैं। इस योग में किए गए कार्यों से धोखे और अवसाद जन्म लेते हैं, अतः इस योग में कोई भी शुभ कार्य और ना ही कोई नया काम शुरू करें। दिशाशूल रहेगा पूर्व। शनिवार को सिवाय अपने घर की यात्रा के और कहीं की यात्रा नहीं करनी चाहिए। पूर्णिमा को तिल का तेल खाना व लगाना मना है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड में कहा गया है। त्योहारों में बात करें तो आज माघ पूर्णिमा व्रत है, माघ पूर्णिमा है, ललिता जयंती है, गुरु रविदास जयंती रहेगी। गुरु रविदास जी की 647वां जन्म वर्षगांठ हम मनाएंगे। तो ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशि फल की। मेष राशि, आज आपकी सफलता का डंका बज सकता है। अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे। नौकरी या ट्रांसफर के ऑर्डर्स आ सकते हैं आज। चिकित्सा के क्षेत्र के लोग, खाद्य, सिलाई, बुनाई, वकीलों के लिए दिन अच्छा रह सकता है। वृषभ राशि, महंगी कला की चीज़ें खरीद सकते हैं आप। कमीशन चेक आज मिल सकता है। शेयर मार्केट सट्टे के लोग, टीचर्स, कथावाचक को लाभ होता दिख रहा है। मिथुन राशि, अपनी योजना के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं, शिक्षा संबंधी कार्य कर सकते हैं। कर्क राशि, गुप्त संदेश या गुप्त तरीकों से संदेश भेज सकते हैं। छुपाए हुए दस्तावेज आज खो सकते हैं। किसी को दी गई वस्तुएं शायद से वापस न मिले। ट्रांसफर ऑर्डर्स आज मिल सकते हैं। सिंह राशि, आज सरलता से बिना भागदौड़ के लाभ होता दिख रहा है। रोमांस के लिए दिन अच्छा रहेगा। अपरिचित व्यक्तियों के साथ घनिष्ठ मित्रता होती दिख रही है। धर्म के कार्यों में मन लगेगा। वाक्पटुता से लाभ होता दिख रहा है। बात करते हैं कन्या राशि की। मान सम्मान में वृद्धि, नौकरी पेशा लोगों को शोहरत मिलती दिख रही है। अपने बल पर अपने विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे आप। तुला राशि, समाज सेवा के कार्य में धन का व्यय हो सकता है। उच्च पद पर आसीन अफसरों के साथ गुप्त संबंध बन सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। विदेश से गुप्त संपर्क, रिसर्च के विद्यार्थी कुछ अधिक मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक राशि, आज दिन तनाव भरा रह सकता है। असंतोष और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस सब के बाद भी लक साथ दे सकता है और कोई उपलब्धि हाथ आ सकती है। धनु राशि, साझेदारी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं आप। समाज सेवा केंद्र में कार्यरत रह सकते हैं। उच्च पदवी मिलने से नाम शोहरत मिलती दिख रही है। मकर राशि, कोई रोग बढ़ सकता है। अधिक खाने की वजह से एलर्जी हो सकती है। झूठे इल्ज़ाम लग सकते हैं, सावधान रहें। कुंभ राशि, लड़ाई झगड़े नुकसान से बचें, अन्यथा बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। चोट लगने का भय है। गैर कानूनी कार्य में सजा हो सकती है। किसी भी प्रकार का जोखिम न लें। अपमानजनक स्थिति से बच कर रहें। वैसे भी जब हमारे मन में कोई डाउट आ जाए ना, डर शक वाला, कोई काम नहीं करना चाहिए। तो जहाँ पे भी डर शक आ रहा है वो काम न करें, तो आप बहुत सारे जोखिमों से बच जाते हैं। मीन राशि की बात करते हैं। रिश्तेदारों के साथ अथवा पड़ोसियों के साथ समय बिता सकते हैं आप। समाज सेवा में रत लोगों के लिए और बिचौलियों के लिए
कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। तो ये था आज सब राशियों का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से में। कहानी किस्से में क्योंकि आज पूर्णिमा तिथि है, माघ पूर्णिमा है, तो ललिता जयंती भी है, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ जो है वो 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:33 से 24 फरवरी शाम 6 बजे तक रहेगा। ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव का एक बार नाम लेने से महाविष्णु का 1000 बार नाम लेने का फल मिलता है। इसी प्रकार माँ ललिता की एक बार नाम लेने से भगवान शिव के 1000 नाम लेने के बराबर का फल मिलता है। ललिता माता हैं कौन? ललिता माता देवी सती पार्वती का ही रूप है। ललिता माता को त्रिपुर सुंदरी, षोडशी, ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। ललिता माता का नाम 10 महाविद्याओं में 3रे नंबर पर आता है। रावण जो 10 महाविद्याओं का ज्ञाता था, रावण के 10 सिर भी इन्हीं महाविद्याओं के प्रतीक हैं। ललिता माँ के 3 स्वरूप हैं, 8 वर्ष की बालिका के रूप में बाला त्रिपुर सुंदरी, 16 वर्ष की अवस्था में षोडशी तथा माँ का युवा स्वरूप जो है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं में निपुण है, इसीलिए भी इन्हें षोडशी कहा जाता है। प्रतिवर्ष माघ मास की पूर्णिमा तिथि को ललिता माता की जयंती मनाई जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता के साथ ललिता पंचमी का व्रत किया जाता है, इसे उपांग ललिता व्रत भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार ललिता माता की 2 भुजाएं हैं। यह माता गौर वर्ण की होकर रक्तिम कमल पर विराजमान है। देवी ललिता का ध्यान रूप बहुत ही उज्ज्वल व प्रकाशवान है। ललिता माता की पूजा आराधना कभी भी कर सकते हैं, परंतु ललिता जयंती या ललिता पंचमी को इनके पूजन आराधना का विशेष महत्व है। ललिता माँ की पूजा आराधना भोग व मोक्ष की दायिका है। व्यक्ति जो है जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ललिता माँ के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, इनकी पूजा अर्चना करें और ललिता सहस्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ललिता के सुमान, ललिता अम्बा के स्तोत्र हैं उनका पठन कर सकते हैं, नहीं तो भोले भाव से उनके सामने जाके बैठिए और अपनी मन की बात कहिए, माँ उसी में प्रसन्न हो जाती हैं। पंचांग के अनुसार माघ मास में आने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहते हैं। इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है और इस दिन को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु को पीले रंग के फल फूल और वस्त्र चढ़ाए जाते हैं और माता लक्ष्मी को गुलाबी रंग या लाल रंग के फूल फल और वस्त्र अर्पण करने चाहिए। माघ पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा सुनना या कहना अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन प्रातःकाल नदी स्नान कर दान करना चाहिए, इससे मान्यता अनुसार घर में सुख समृद्धि का निरंतर वास होता है। माघ पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ देने का भी बहुत महत्व है। माघ माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि 23 फरवरी को दोपहर 3:33 से शुरू होकर 24 फरवरी को शाम 5:49 तक यानी 6 बजे तक है। 24 फरवरी को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, इसी दिन माघ स्नान और दान भी रहेगा। तो यानी आज के दिन ही व्रत भी रख सकते हैं और आज के दिन स्नान भी कीजिएगा, और कहीं नदी पे नहीं जा सकते हैं तो घर में ही थोड़ा सा अपने नहाने के जल में गंगा जल मिलाएं और उससे स्नान करें तो भी उतना ही फल मिलेगा। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ प्रॉस्परस ईयर अहेड। यह वर्ष परिश्रम करने पर अत्यंत महत्वपूर्ण एवं भाग्यवर्धक रहेगा। कई बार आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। अधिकांश भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होगी।
भूमि संपत्ति में वृद्धि के अवसर मिलेंगे, राजनैतिक क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता एवं चिकित्सा, बैंक, वकालत, केमिस्ट, सेना, इंजीनियरिंग, विदेश सेवा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में करियर बनाने के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार को विस्तार देने पर व्यवसायी वर्ग के लाभ में वृद्धि होगी। किसी नए व्यवसाय के प्रारंभ का स्वप्न साकार होगा। सरकारी या अर्ध सरकारी क्षेत्र में सेवारत जितने भी जातक हैं उनको अनुकूल स्थानांतरण या प्रमोशन का लाभ मिलेगा। आरोग्य सुख उत्तम रहेगा। जनवरी के महीने में भविष्य के लिए योजना तैयार करें, खुद का विश्लेषण करें। आप तो स्वयं भी स्पिरिचुअल हैं तो ये सब सफल बहुत आसानी से सरलता से कर पाएंगे। फरवरी में उपलब्धियों के कारण व्यस्त रहेंगे, भौतिक और वित्तीय लाभ भी मिलेंगे। मार्च में पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें और अप्रैल में नए गोल्स नए प्रोजेक्ट्स के लिए जी तोड़ मेहनत करें, तब पूरा साल सफलता का साल रहेगा। जुलाई में स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ये था आपका वर्षफल। बात करते हैं उपायों की। रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, गाय को रोज रोटी खिलाएं, संभव हो गाय का दान भी कर सकते हैं आप। साफ सुथरे एकदम वस्त्र पहने, आजकल थोड़ा सा जीन्स जो रैग जीन्स हैं वो पहनने का शौक है तो उनको अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर अवॉइड करें, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है। परफ्यूम डियो लगाएं, लक्ष्मी नारायण जो स्तोत्र है उसका पाठ करें, लक्ष्मी नारायणाय नमः का मंत्र का जप करें, राधा कृष्णा कृपा कटाक्ष जो स्तोत्र है उसका पाठ करें। अगर इनमें से कोई दो चीज़ें भी आप पूरा साल भर उपाय भी आप कर लेते हैं तो आपका ये साल खुशियों भरा रहेगा। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं और कल फिर मिलेंगे oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from OneWorld News.